हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनेंगे बिल्कुल बाजार वाली देसी चाउमीन। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। अब इसमें एक छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 90% तक इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। नूडल्स हमारे बॉईल हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब नूडल्स को पानी से अलग कर लेंगे। अब हम नूडल्स पे थोड़ा नॉर्मल पानी डालेंगे, इससे हमारे नूडल ओवर कुक नहीं होंगे। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इससे हमारे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नूडल को फ्राई करने के लिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल पैन में ऐड करेंगे। 1 लंबा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक ट्रांसलूशेंट होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज ट्रांसलूशेंट हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी वेजेस। सबसे पहले हम लंबी कटी हुई गाजर ऐड करेंगे इसमें। गाजर को मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 लंबी कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसे भी मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे काफ़ी सारी लंबी कटी हुई पत्ता गोभी। अब सभी वेजेस को हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेजेस अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे काफ़ी सारे बॉइल्ड नूडल्स और नूडल्स को हम वेजेस के साथ अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 चम्मच के करीब इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और टॉस करते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी चाउमीन का काफ़ी कलर देखिए चेंज हो गया। अब इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ा और कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चाउमीन हमारी बनके रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। चलिए, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।